कई किसान भाई रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक और जीवाणु खाद के बारे में और इसकी उपयोगिताओं के बारे में उलझन में रहते हैं। इसी उलझन को आज के भाग में हम सुलझाएंगे। किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि जैव उर्वरक और रासायनिक खाद में कई स्तर पर काफी अंतर है। दरअसल विशेषज्ञ मानते हैं कि रासायनिक खाद के बदले सिर्फ जैव उर्वरक या जीवाणु खाद का उपयोग नहीं कर सकते। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जैव उर्वरक का उपयोग रासायनिक उर्वरक की मात्रा को कम करने के लिए ही कर सकते हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरक का पूरक है। इस पहलू को हम विस्तार से जानते हैं अपने विशेषज्ञ से ही। बायो फर्टिलाइजर का मतलब पहले हम लोग समझ लें, जैव उर्वरता। तो जैव उर्वरक में इसका मतलब यही होता है कि उर्वरक जो हम लोग देते हैं, एक है रासायनिक उर्वरक और एक है जैव उर्वरक। तो दोनों में बड़ा अंतर है। रासायनिक उर्वरक जो है, हम उसको जो इस अमाउंट में देते हैं कि हमारा जो फसल है वो पूरा पोषक तत्व, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जितनी उसकी ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम डाल देते हैं। लेकिन जैव उर्वरक जो है वो आप ही समझ लीजिए कि वो उस चीज़ का कम्प्लीमेंट नहीं है। मतलब कि रासायनिक उर्वरक के बदले अगर हम जैव उर्वरक ही खाली दे के करें तो ऐसा नहीं है। जैव उर्वरक जो है उसका पूरक है। इसको अगर हम इस तरह से सोचें कि अगर रासायनिक उर्वरक की मात्रा आधी कर दें, 1/3 कर दें, 1/4 कर दें, और जो भी कमी होती है उसके अनुसार अगर हम जैव उर्वरक से दें, तो आपको दो फायदा एकदम निश्चित होगा। देखा हुआ है और एकदम प्रमाणित है कि दो फायदा एकदम होगा। पहला फायदा तो आपको ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो भी फसल की उत्पादकता है, वो बढ़ी जाएगी, 1.5 गुना से 2 गुना हो जाएगी, पहला बात। दूसरा कि जो भी मिट्टी है, जिस मिट्टी के बल पर आज हम जी रहे हैं, जो भी फसल उत्पादन होता है, जो कि हमारा जीविका भी चला रहा है, जो भी बिहार है चाहे कहीं भी है, बिना फसल उत्पादन और बिना खाए तो हम रह नहीं सकते हैं। तो वो जो है उसका जो स्वास्थ्य है उसके बारे में भी हमको सोचना है कि उससे हम फसल भी लें, उसका यूज भी करें और उसके स्वास्थ्य को भी बनाए रखें। तो एक जैव उर्वरक जो उसके साथ मिला के देंगे तो उसका ये भी फायदा होता है कि वो उसका जो स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है, सस्टेन रहता है, बहुत दिनों तक आप उससे फसल ले सकते हैं। अगर आप रासायनिक उर्वरक से लगातार करेंगे तो क्या होगा, आपको फसल मिलेगा, उत्पादन मिलेगा, लेकिन उसका जो स्वास्थ्य है खराब होते जाएगा। थोड़ा सा आप लोग सोचिए इस चीज़ पर कि जो भी किसान भाई हैं, अगर खेती करते होइएगा तो जब पहला जो स्थिति था, आज से 15-20 साल पहले जाइएगा, तो जो आप फर्टिलाइजर रासायनिक उर्वरक देते थे तो जो यील्ड होता था, क्या आज वही रासायनिक उर्वरक उतनी मात्रा में देने के बाद वो यील्ड है? तो क्यों नहीं है, इस पर तो सोचना है। तो उसका वही है कि देखिए, उस जो जैव उर्वरक होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है मिट्टी में, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और जिंक सल्फेट ही नहीं होता है। सारे पदार्थ जितने भी 16 और 20 माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं, मेजर पोषक तत्व हैं, सारे के सारे उसमें मौजूद रहते हैं, जिसको कि आप मिट्टी का एक्चुअल रस कहिए, उसका मिट्टी का जो ताकत है वो सारे चीज़ रहते हैं। लेकिन हम उसका दोहन करते करते रासायनिक उर्वरक मात्र 3 से 4 पोषक तत्व मेजर जो होता है वो देते हैं, फास्फोरस हुआ, पोटास हुआ और नाइट्रोजन, और उसके बाद से और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, जो कि ज़रूरत है लेकिन बहुत कम मात्रा में फसल को ज़रूरत है, वो दिनों दिन लेते गया और आज उसकी स्थिति कम होती गई। तो जब हम ऑर्गेनिक पदार्थ, जो भी उसका पहले हम खाद का उपयोग करते थे, चाहे
पहले फसल भी काट लेते थे, ऊपर से छोड़ देते थे, वो सड़ता था, उसके तरह जो भी उसमें मिलता था और पहले से जो भी मौजूद था, ये सब कम होते गया। और आज स्थिति ये हो गई है कि अब मैक्सिमम जो है आपके फसल में सब चीज़ की कमी आ रही है, सल्फर की कमी आ रही है, सोडियम की कमी आ रही है, और मैग्नीज की, आयरन की, एल्युमिनियम, ये सब का सब कहीं ना कहीं आपको फसल के उत्पादन में उसका बहुत बड़ा योगदान है। मैग्नीज है आपको, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन तो खैर मेजर तत्व है, मैग्नीज है, कॉपर है, आयरन है, जिंक है, बोरोन है, ये सब का जानते हैं क्रॉप जो लेता है तो उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। क्वालिटी का मतलब कि सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, उसमें कुछ इंजाइम्स होते हैं, कुछ उसमें आपको अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि उस सीड्स में, ग्रेन में एक्युमुलेट करता है। अगर हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर कम रहेगा उसमें, तो क्या होगा कि उस अमीनो एसिड्स का, उस इंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जब वो इंजाइम का फॉर्मेशन प्लांट में नहीं होगा तो क्या होगा, उसका अल्टीमेटली यील्ड पर तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही, उसके क्वालिटी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जो कोई भी फसल होता है तो पहले फूल होता है, आप लोग जानते होइएगा, तो फूल में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से उसका ओविल बनता है, उससे ग्रेन बनता है। तो जैसे ही बोरोन और जिंक की कमी हो जाती है तो उसमें फ्लावरिंग कम होगा, रूट जो होते हैं, जड़ होता है, वो छोटा छोटा बढ़ेगा, तो वो उसका पूरा ओवरऑल जो बढ़ने का जो फसल पूरा पैदावार होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो ये सब सारी कमियां आती हैं और इसको हम लोग पूरा करने के लिए मिट्टी में ऊपर से केमिकल तो देते ही हैं। अगर आप ये ऑर्गेनिक पदार्थ जैव उर्वरक का उपयोग कीजिएगा तो आपका जो है ये जैव उर्वरक से उसका दो चीज़ होगा, एक तो आपका यील्ड बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, और आपका मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत दिन तक सस्टेन रहेगा, मतलब कि स्थिर रहेगा उसका स्वास्थ्य। जैव उर्वरक का मतलब आप लोग समझ लीजिए, जैव उर्वरक में आता है कार्बनिक खाद, जिसमें कि लिविंग कोई भी चीज़ से, नेचर से बनाया गया है, नेचुरल रिसोर्स से जो भी आप कंपोस्ट बनाएं, खाद बनाएं, चाहे जो चीज़ आप बनाते हैं वही हुआ जैव उर्वरक। और केमिकल फर्टिलाइजर का मतलब हुआ कि जो हम फैक्ट्री में प्योर एलिमेंट को मिक्स करके बनाते हैं, तो जैव उर्वरक में वर्मी कंपोस्ट आ जाता है, खाद जो गोबर की खाद है वो भी। अब आते हैं जीवाणु खाद की तरफ। जीवाणु खादों में राइजोबियम कल्चर की बात करें तो हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है और यह पौधों के लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि ये वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त कर मिट्टी में संयोजित कर लेता है, जिसके कारण पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। जानकारों के अनुसार अगर मिट्टी में उचित मात्रा में राइजोबियम की उपस्थिति है तो आप अपने फसल में यूरिया की आधी मात्रा ही दे सकते हैं। इसे और अधिक विस्तार से जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। अब जीवाणु खाद का आप लोग नाम सुने होइएगा, राइजोबियम, देखिए एजोटोबैक्टर, ये क्या है, राइजोबियम जो है ये बैक्टीरिया है, लेकिन ये लाभदायक बैक्टीरिया है। ये ऐसा एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे जमीन में जब रहता है उसकी जनसंख्या ज़्यादा रहती है तो वायुमंडल से वो नाइट्रोजन प्राप्त करके और वो फिक्स कर देता है जमीन में। तो अगर राइजोबियम का पॉपुलेशन जो रहना चाहिए, अगर बढ़िया से पॉपुलेशन है, जनसंख्या उसके आपके मिट्टी में है, तो आपका जो यूरिया देने की प्रक्रिया है, अगर आप 50% यूरिया कम दे करके, जो भी आपका रिकमेंडेड डोज है हर फसल के लिए, अगर आधी मात्रा में दे दें और राइजोबियम का आप कल्चर करें, जनरली ये राइजोबियम का जो है जो दिया जाता है ये पल्स क्रॉप में दिया जाता है, दलहनी कोई भी फसल होगी, अगर उसमें आप राइजोबियम कल्चर दीजिएगा तो आपको देखते होइएगा कि पल्सस का रिकमेंडेड डोज है ना बहुत कम है नाइट्रोजन का, क्योंकि उसके जड़ में भी ऐसे हो नोडल्स बना लेता है जो पल्स क्रॉप है। ऐसा नहीं है कि मतलब दाल में आपका चना, मूंग, उड़द, मसूर, ये सब जो है ये तो है ही, बड़े बड़े पेड़ में भी देखिएगा सब बबूल होता है।
जो भी फली होगी, जिसमें कि आप देखिएगा कि फली टाइप का जो पौधा होगा, बड़ा बड़ा पेड़, उसमें भी नूडल्स बनता है, उसको भी हम लोग पल्सस फसल नहीं करते हैं, जबकि वो दलहनी टाइप का दो डाइकोट उसको हम लोग प्लांट बोलते हैं, जिसका कि दाल का आकार, जैसे कि सब बबुल हुआ, जो भी है इमली टाइप का जो है, ये सब भी है, ये सारी चीज़ें जितनी होती हैं उसमें भी नूडल्स का फॉर्मेशन होता है, वो भी वातावरण से नाइट्रोजन को खींच करके अस्थिर करके वो अपने प्लांट में रखता है और एक भोजन के रूप में वो रखता है। अगर आप उसको यूरिया नहीं भी मिलता है, नाइट्रोजन उसको नहीं मिलता है, तो वही वो जड़ में जो स्थिर रखता है उससे वो लेता है। तो राइजोबियम एक हुआ, आपको राइजोबियम में बहुत सारा स्पीसीज है, मटर के लिए अलग है, तो आप कृपया अगर राइजोबियम कल्चर खरीदते हैं तो ऐसा कीजिए कि मटर के लिए जो भी होता है ना, तो राइजोबियम लेगुमिनेसेरम आता है, तो उसको देखा कीजिए कम से कम देने लेने वक्त। राइजोबियम कल्चर का 200 ग्राम का अगर पैकेट आप कहीं लेते हैं तो सबसे पहले उसका मैन्युफैक्चर डेट देख लेना चाहिए, एक साल से तो अधिक का यूज ही नहीं करना है, वो ख़त्म हो गया, लिखता है ना 12 मंथ, अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो भी है उससे 12 महीना गिन लीजिए, अगर उससे एक्सपायर है तो वो ख़त्म है। ख़त्म का मतलब क्या होता है कि उसमें जो कल्चर रखा जाता है उसकी जनसंख्या रहती है 10^8, 10^8 उसकी जनसंख्या का पॉपुलेशन है, मतलब कि 10^8 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में उसकी जनसंख्या होती है। अगर मान लीजिए कि वो जनसंख्या 10^5 है तो क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10^3 जो है मर चुका है, ठीक है ना, उतना वो कम हो गया, 10^5 ही उसमें बचा, तो पॉपुलेशन कम है, तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। और अगर करेंगे तो उससे कहेंगे भैया तुम्हारा पैकेट का जो दाम है तुम आधा दाम में दोगे तो हम ले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जनसंख्या उसकी बहुत कम हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये राइजोबियम का है, और राइजोबियम स्पेसीज में और अलग अलग है, तो जैसे आप पल्सेस में यूज करते हैं उसका यूज कीजिए। अब बात धान गेहूं मक्का फसलों में उपयोग होने वाले जीवाणु खाद एजिटोबैक्टर के बारे में। इसे एजिटोबैक्टरिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपयोग से उपज में काफी वृद्धि होती है, साथ ही साथ नेत्रजन की भी बचत होती है। और एक तो होता है राइस में, जैसे बात करते हैं कि धान गेहूं मकई, इस सब के लिए जो हम जीवाणु खाद यूज करते हैं उसमें होता है एजोटोबैक्टर, एजो स्पाइरिलम, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको इस तरह के फसल के लिए जो अनाज में हम लोग खाते हैं उसमें यूज होता है, और आप वेजिटेबल्स में भी कर सकते हैं, जैसे पोटैटो है, ओनियन है, भिंडी है, इस सब में आप उसका यूज कर सकते हैं। राइजोबियम का है 200 ग्राम का, मान लीजिए आप पैकेट लाए, इसको हमको सबसे पहले एक एकड़ में देना है। इसको क्या करते हैं, इसका मतलब है कि एक एकड़ में हम बराबर ढंग से इसको बिखेर दें। तो ये बहुत तरह का है उपाय, एक तो आप ऐसे भी गोबर की खाद में मिला के स्प्रेड कर दीजिए अंतिम जुताई के समय, रासायनिक उर्वरक के साथ इसको नहीं दीजिएगा, रासायनिक उर्वरक अपना छींट दीजिए उसके बाद इसको डालिए। दूसरा है कि 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर में 1 लीटर पानी, आधा किलो गुड़ में इसको क्या कर लीजिए कि इसको उबाल करके, मतलब पानी और गुड़ को पहले उबाल लीजिए, उबालने के बाद जब लसलसा टाइप का हो जाए उसमें आप इसको ठंडा होने के बाद इस राइजोबियम को मिला दीजिए, मिला दीजिए तो पूरा अच्छा सा उसमें मिल जाएगा। और उसमें मान लीजिए कि एक एकड़ में आपको 10 kg बीज लगता है, 15 kg बीज लगता है, 20 kg बीज लगता है, जितना भी एक एकड़ में लगता है उस बीज में इसको मिला करके, और इसको छांव में सूखे जगह, ठंड जहां पर हो, गर्म जगह नहीं हो, वहां पर इसको डाल दीजिए, 8-10 घंटा 12 घंटा में सूख जाता है, उसके बाद से इसकी बुआई कर दी। हाँ, बीज में दो तरह से बताए, एक तो आप उर्वरक गोबर की खाद में भी मिला करके इसको आप छींट सकते हैं जुताई के समय, या बीज के साथ इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए, तो बीज में जब ये चिपक जाएगा तो आपका पूरे खेत में जहाँ जहाँ आप बीज डालिएगा वहाँ वहाँ इसका पॉपुलेशन चला जाएगा और उसमें मॉइस्चर रहेगा, तो ये अपना जनसंख्या को
बढ़ाएगा और आपके खेत में पूरा राइजोबियम कल्चर कर देगा और आपको नाइट्रोजन का कम से कम आधी बचत हो जाएगी। अब जानते हैं फास्फोरस विलायक जीवाणु खाद के बारे में, जिसे कि पीएसबी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा देखा गया है कि गर्म वातावरण में मिट्टी में फास्फोरस में कमी रहती है, लेकिन विभिन्न तरह के सूक्ष्म जीव स्फूर यानी फास्फोरस को घुलाकर पौधों के लिए सुगम बनाते हैं। जानकारों के मुताबिक मिट्टी में उपयोग किए गए स्फूर की मात्रा को पौधे बहुत ही कम अपने उपयोग में लाते हैं और बचा हुआ भाग मिट्टी में ही रह जाता है। इसी बचे हुए फास्फोरस को यह जीवाणु खाद पौधों के लिए उपयोगी बनाता है। इसे विस्तार से हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं, आइए जानते हैं। इसी तरह से फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है कि वो स्पेशली बैक्टीरिया जो है वो आपका जैसे ही जमीन में जाता है तो स्फुर का जो मात्रा है आपके जमीन में ऐसे जितना देते हैं ना, मान लीजिए कि आप डीएपी खाद देते हैं 100 kg दिए मान लीजिए, तो 100 kg में कितना रहता है डीएपी में 40-45% आपका रहता है फास्फोरस। आधा तो ऐसे ही दिए 100 kg तो 50 kg आपका फास्फोरस है। अब उस 50 kg में जैसे ही देते हैं तो 20 kg जो है आपको फसल लेती है, 30 kg क्या होता है वो जा करके जमीन में इधर उधर फिक्स कर जाता है, वो फिर आपको पौधे को प्राप्त नहीं होता है। तो अगर आप इस तरह का भी प्रयोग कर सकते हैं कि अगर डीएपी को अगर बीच में फसल जैसे कि आपका क्रॉपिंग हुआ है अगर उसकी मात्रा को आधी करके भी दिया जाए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी प्रयोग चल रहे हैं, चूँकि हम उसको अभी कहना नहीं चाहते हैं, उसे प्रयोग चल रहा है कि डीएपी को अगर बीच में भी जैसे यूरिया देते हैं ना बाद में उस समय भी दीजिएगा तो आपका क्या होगा, जैसे ही दीजिएगा तो कुछ ना कुछ उस समय प्लांट का अवेलेबल है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है उसकी। लेकिन खैर उसकी बात छोड़िए, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो 30 kg आपका बेकार चला गया, ये तो बेकार चला गया, तो ये अगर अगले क्रॉप में अगर डीएपी अगर आप नहीं दीजिए भाई, लेकिन देते सभी आदमी हैं, फिर अगला क्रॉप लेते हैं ना फसल, फिर आप डीएपी देते हैं, फिर उसमें क्या होता है कि वही 40% के आसपास 30% के आसपास क्रॉप लेता है, फिर 30% उसमें फिक्स कर जाता है, वो आपका मैक्सिमम बर्बाद होता है। तो उसमें एक जो ही बैक्टीरिया है पीएसबी करके आता है, फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, उसका उपयोग अगर करते हैं वो 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से उसको क्या करते हैं कि 2 kg को गोबर की खाद में या वर्मी कंपोस्ट में 10 kg, 20 kg, 50 kg जितना भी आपको अवेलेबल है उसमें मिक्स करके और उसको छींट देते हैं, तो जैसे ही वो जाता है जमीन में तो वो फास्फोरस को सॉल्युबिलिटी को बढ़ा करके और वो पौधे को उपलब्ध करा देता है। तो किसान भाइयों, अन्य उर्वरकों का उपयोग और जीवाणु खाद के बारे में आपने बारीकियों से जाना। हमें उम्मीद है कि आप जीवाणु खाद, रासायनिक खाद और जैव उर्वरकों के साथ प्रयोग के तरीकों के बारे में और इससे होने वाले फायदे के बारे में जाना। जैव उर्वरकों के बारे में और भी हम जानकारी लेंगे कुछ अगले भागों में। Oh,